Or it can be your uh, uh, bulb light, also tube light means artificial light, also it can be right. So, once the light falls on the mirror, here is the mirror, children. You can see, okay, here is the mirror. So, that mirror reflects the light towards the condenser. Look at the parts of the microscope, children. Here is the condenser. Now, what is the role of condenser? Condenser. कैन पास रिक्वायर्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पर सेट होता है पूरा कि ऑब्जर्व uh, करने के लिए जो आपका लाइट uh, का इंटेंसिटी है वो कितना होना चाहिए राइट right? सो so, उसके हिसाब से दैट विल अलाउ दैट लाइट टू पास थ्रू ओके एंड वंस द लाइट इज पास Check My voice, and you can drop me a message because I have removed the earphones. Check my voice, children. I want a response from your side. I'm just a little bit dull. रिक्वाड इंटेन्सिटी ऑफ लाइट टू पास तो क्या होता है ये लाइट ऐसे पास होके ये जो एक सपोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है ठीक है ये मेटल का हो सकता है राइट या तो फिर जिस मटेरियल से माइक्रोस्कोप बनाए उसी मटेरियल का हो सकता है ओके okay? तो इस पर हम क्या करते हैं दिस सपोर्ट या पे क्या लिखा है स्टेज तो इसको मैकेनिकल स्टेज भी बोलते हैं मैकेनिकल स्टेज मैकेनिकल स्टेज मतलब वो वाला पार्ट माइक्रोस्कोप का जहां पर हम स्लाइड रखते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए ओके नाउ हियर व्हाट इज दिस दिस रेक्टेंगुलर शेप ये स्लाइड है ठीक है जिसके ऊपर हमने समझो ओनियन पील रखा हुआ है इसके ऊपर ऐसे कवर स्लिप है ओके okay? वो वाला स्लाइड जहाँ पे हमारा स्पेसिमेन है जो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लिप्स होते हैं जिससे हम स्लाइड को फिट करके रख सकते हैं तो स्लाइड यहाँ वहां हिलेगी नहीं ओके? गेट डिस्टर्ब इट विल रिमेन अटैच टू अ वन प्लेस अब यहाँ पे आपको दो लेंसेज दिख रहे हैं दिस इज वन एंड दिस इज अनादर सो दिससेस आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस क्या बोलते हैं इनको ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं तो सबसे पहला जो इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो इस लेंस में स्टार्ट होता है राइट right? जो भी हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका फर्स्ट इमेज जो फॉर्म होता है इट इज इन द ऑब्जेक्टिव लेंस ओके अभी ऑब्जेक्टिव लेंस तीन होते हैं फाइव एक्स टेन एक्स सॉरी नॉट फाइव देयर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टेन एक्स 45x फाइव एक्स एंड हंड्रेड तीन अलग अलग मैग्निफिकेशन के होते हैं अगर आप 10x को एडजस्ट करोगे तो आपको सेल्स बहुत स्मॉल स्मॉल दिखेंगे अगर आप 45x पे एडजस्ट करोगे तो आपको सेल्स थोड़े और बिगर दिखेंगे 10x पे एडजस्ट करोगे तो सेल आपको और बड़े दिखेंगे ठीक है बट क्लैरिटी कम होती जाएगी तो ये क्लैरिटी को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है एडजस्टमेंट नॉब्स ओके एडजस्टमेंट नॉब इसको बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नॉब हियर इज द स्पेलिंग ऑफ द नॉब ओके एंड फाइन एडजस्टमेंट नॉब तो अगर हम कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को अगर हम रोटेट करते हैं उसको अगर घुमाते बटन है ये इसको ऐसे हम गोल गोल घुमा सकते हैं रोटेट कर सकते हैं बराबर सो so अगर हम कोर्स एडजस्टमेंट नॉब नॉब को अगर हिलाते हैं तो क्या होगा ये इतना वाला जो पोर्शन है जिसको बॉडी ट्यूब बोलते हैं ये ऊपर नीचे होता है ये से ऊपर नीचे हो सकता है कौन सा वाला पार्ट दिस मच ये वाला पार्ट ये बॉडी ऊपर नीचे हो सकती है इफ वी रोटेट द कोर्स एडजस्टमेंट नॉब जिससे क्या हो सकता है विच इज यूज टू फोकस द स्लाइड विच इज यूज टू फोकस द स्लाइड अब फोकसिंग करना मतलब क्या देखो जब आपको फोटो निकालनी होती है आपकी खुद की सेल्फी या किसी और की तो आप कैमरे को एडजस्ट करते, है करते हैं कि नहीं आपके व्यू के अकॉर्डिंग आप कैमरे को एडजस्ट करते हैं लेफ्ट घूमोगे राइट ऊपर नीचे करोगे बराबर फोकसिंग हम कैमरे को मतलब को तो स्लाइड का फोकसिंग हम कोर्स एडजस्टमेंट नॉब से करते हैं जिससे एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाया जाता है इन बिटवीन द स्लाइड एंड द लेंस ओके फिर इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और फाइन एडजस्टमेंट नॉब से क्या करते हैं इमेज को क्लियर किया जाता है इमेज ओके सो याद रखना कोर्स एडजस्टमेंट नॉब इज यूज टू फोकस द स्लाइड फोकस द स्लाइड एंड फाइन एडजस्टमेंट नॉब इज यूज टू क्लियर द इमेज इमेज को क्लियर करने के लिए यूज किया जाए ओके okay? अब आई पीस क्या होता है आई पीस ये वो वाला लेस होता है जो सबसे टॉप में फिट किया हुआ रहेगा जिससे हम रियल इमेज दिखते हैं कौन सी इमेज रियल इमेज और यहाँ पर यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी दिस इज वर्चुअल इमेज वो कौन सी इमेज रहेगी वर्चुअल दैट वी कैनॉट सी डायरेक्टली ठीक है और ये जो रहेगा आई पीस में जो इमेज बनेगी दैट इज रियल इमेज और यही इमेज हम आई पीस से देखते हैं माइक्रोस्कोप में से देखते हैं ना हम सबसे ऊपर से, से आए हमारे आई हमारे आईज वहां पे रख के देखते हैं कि नहीं सो दैट इज आई पीस ये वो वाला लेंस है दैट गिव्स आउट रियल इमेज ओके तो देखो कितने कितने पार्ट है सपोर्ट के लिए मिरर है फॉर सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन दैट इज लाइट को पास करने के लिए कंडेंसर टू पास रिक्वायर्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट लाइट देन द स्टेज इज देयर ओके फॉर सपोर्ट टू कीप द स्लाइड ऑब्जेक्टिव लेंस ओके

ज फ्रॉम द ओनियन पील आपको इस तरह से सेल दिखेंगे. तो आपको पता है आउटर पार्ट क्या होता है इट्स सेल वॉल क्या है भाई अंदर ये ऐसे ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे ये क्या है कोई बता सकता है क्या है न्यूक्लियस ये ऑफकोर्स दिस डॉट्स आर न्यूक्लियस ऑफ द सेल और इन दोनों के बीच में क्या होगा साइटोप्लाजम होगा ओके okay? साइटोप्लाज्म, राइट सो इस तरीके से आपको ओनियन सेल्स माइक्रोस्कोप के अंडर दिखेंगे जिस कलर का आपने स्टेन यूज किया है उस कलर के आपको सेल्स दिखेंगे आयोडीन यूज किया है तो पर्पल दिखेंगे मिथाइल ब्लू दिखेंगे यूज किया है तो रेडिश पिंकिश तो दिखेंगे जिस कलर का स्टेन किया है उस कलर से दिखेंगे बराबर अभी न्यूक्लियस डार्क क्यों दिखता है सेल वॉल डार्क क्यों दिखते हैं साइटोप्लाज्म फेंट क्यों दिखता है ये आपको बताऊंगी कल के लेक्चर में ओके सो दिस इज अबाउट अवर टूडे लेक्चर इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक चिल्ड्रन यू कैन आस्क मी